आपण बघत आहात न्यूज 7 डेज आवाज महाराष्ट्राचा. दौंड तालुक्यात जमिनीच्या वादात पुतण्याने केला चुलत्याचा खून. आता बघूया सविस्तर वृत्त. जमिनीच्या वादातून पुतण्याने चुलत्याला व दोन चुलत भावांना कोयत्याने जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला असता यात चुलत्याचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार भोसलेवाडी उंटवडी येथील पोपट गारुडी व बापू गारुडी हे दोघे भाऊ असून पोपट गारुडी यांच्या एक मुलाने बापू गारुडी आणि त्यांच्या दोन मुलांना अगोदर अल्टो कार अंगावर घालून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला व कोयताने चुलते बापू लक्ष्मण गारुडी व त्यांच्या दोन्ही मुलांवर जीवघेणा हल्ला केला असता यामध्ये बापू गारुडी हे जागीच ठार झाले आहे तर त्यांचे दोन मुले जखमी झाले आहेत. जखमी झालेल्या दोघांना उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. सदर घडलेल्या घटनेची माहिती आरोपी अमित पोपट गारुडी याने यवत पोलिसांच्या स्वाधीन होऊन घटनेची माहिती दिली. सदर घटनेची माहिती मिळताच यवत पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक भाऊसाहेब पाटील व उप अधिकारी IPS आश्वर्या शर्मा यांनी घटनास्थळी भेट दिली. मैं SDPO दौंड पोस्टेड हूँ. आज सुबह यहाँ पे एक बेहद ही दुखद घटना हुई है. एक अमित पोपट गारुडी नाम के आदमी ने एक 10 साल के लैंड डिस्प्यूट के कारण बाउंड्री डिस्प्यूट के कारण एक बापू लक्ष्मण नाम के आदमी का मर्डर कर दिया है. उसके गले में कोयटा मार के पीछे से उसके दो बेटे हैं, दोनों भी जख्मी कर दिए हैं. बेटे का नाम संदीप और स्वप्निल है, बंटी स्वप्निल. दोनों ही अभी जख्मी हैं. अभी हम दोनों का स्टेटमेंट ले रहे हैं. अक्यूज्ड ऑलरेडी कस्टडी में है और उसने खुद ही कन्फेस किया है कि उसने ये क्राइम किया था. अभी जो मैयत है उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद FIR ऑलरेडी लॉज हो रहा है. और ऐसे घटना कोरोना के टाइम पे बहुत ही दुखदाई है. मैं सभी लोगों से बोलूँगी कि अभी संयम रखें. अभी अग्रेशन करना, मारपीट करना, ये बहुत ही दुखदाई है इस टाइम पे. अभी एक दूसरे का साथ देने का टाइम है, ना कि ऐसी छोटी मोटी बातों पे लड़ाई करके उग्र होके मारपीट करने का टाइम है. और काफ़ी धक्केदायक इंसिडेंट है ये. और हम इसका इन्वेस्टिगेशन एकदम प्रॉपरली करेंगे और इंश्योर करेंगे कि अक्यूज को 100% सज़ा हो और कन्विक्शन हो. और PI साहब और मैं पर्सनली पूरा इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर भी कर रहे हैं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.